Hari 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 Hari
Aaj seva mein dilata
वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मैं गुरुपाद पद्मा नितिल्ला प्रविष्णु विष्णु पादोदर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितिल्ला प्रविष्णु विष्णु पादोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कैसे श्री श्रीधर गोपर में महाप्रभु ने कृपा किया और भक्तों को लेकर के उन्होंने कैसे काजी को उन्होंने दंड प्रदान किए। कहते जैसे कृष्ण ब्रह्मा का एक रात तक उन्होंने रास रचाई, मतलब 10,000 चतुर्युग समय तक उन्होंने रास किया था, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी कहते एक रात में बल्कि कतो कल्प गेलो सही निसार कितने, कहते पता नहीं कितना कल्प बीत गया महाप्रभु जब रात में कीर्तन किया है। इसलिए कहते चैतन्य चंद्र कुछ असंभव नहीं भ्रुवंगे जहा रहा ब्रह्मांड प्रलय, कहते ये चैतन्य महाप्रभु के लिए कोई असंभव नहीं, क्योंकि जिनकी केवल एक इशारा पे क्या होता है कितने विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। इसलिए अद्याभी हो सही लीला करे गोरा राय कोनो कोनो भाग्यवान। अभी भी महाप्रभु क्योंकि जो नवद्वीप का लीला नित्य है और पुरी का भी लीला नित्य है, महाप्रभु पुरी में भी 18 साल तक पुरी में यही पर रहे और यही पर ही चैतन्य महाप्रभु यही पर हैं। कहते जिस समय महाप्रभु समुद्र को जमुना मान करके छलांग लगा दिया हैं और भक्त लोग ढूंढ रहे हैं महाप्रभु कहाँ महाप्रभु कहाँ, गंभीरा में महाप्रभु सोए हुए थे, सवेरे देखा महाप्रभु गंभीरा में है ही नहीं, ढूंढते ढूंढते आ रहे ढूंढते ढूंढते आ रहे महाप्रभु दिख नहीं रहे महाप्रभु दिख नहीं रहे। पीछे करके 2-3 जगह में महाप्रभु मिलते थे, एक तो कभी कभी जगन्नाथ जी के मंदिर को सामने लेट हुए, कभी कभी जगन्नाथ बल्लभ जो बाटी का कभी वहां पर और कभी गुंडीचा मंदिर, कभी ये तीनों जगह में महाप्रभु राधारणी के अभाव में कैसे बेहोश होकर के पड़े हुए रहते थे हैं। इसलिए अब कभी कभी समुद्र में समुद्र को यमुना मान करके महाप्रभु कभी उसमें भी छलांग लगा देते, इसलिए महाप्रभु छलांग लगा दिया यमुना सोच करके समुद्र में और बहते 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 कहाँ पर आ गए महाप्रभु आ गए यहाँ पर हाँ ये चक्र तीर्थ में आ गए। और एक जली ने जाल फेंका मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए फेंके तो महाप्रभु उसमें आ गए।
लेकिन जब महाप्रभु आ गए, महाप्रभु राधा भाव में हैं, महाप्रभु राधा भाव में विभावित होकर के जो प्रेम का जो अद्भुत है महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी जैसे जगन्नाथ जी को इतने बड़े बड़े आदि हैं, ना कहां जगन्नाथ कृष्ण है, इनके हाथ कहाँ है, इनके अंगुल क्या है, इनके प्यार कहाँ है, इनकी मोह दांत कहाँ है, कुछ नहीं। ये क्यों, ये कहती है ये भी राधा जी की प्रेम का दर्शन करते 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 कृष्ण राधा जी के महाभाव को दर्शन करते 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 कृष्ण स्वयं राधा जी के प्रेम में द्रवीभूत हो, ये द्रवीभूत रूप है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब जल की जाल में आए ना, महाप्रभु तो शरीर में उस समय प्रेम है एकदम महाभाव स्वरूप में, वो जली का जो जाल था ना, वो जाल इसको अंदर में टच हो गया, जो बाहर निकाले उनको लगा जैसे एक मांस पिटला जैसे है, मांस पिटला जैसे, और गांव का शब्द हो रहा था, मुंह से प्रेम निकल रहा था। इसलिए बोले ये जो शरीर हमारा है ना, ये प्रेम को ये शरीर सहन नहीं कर सकता है। इसलिए प्रेम को सहन करने के लिए अगर वो स्थिति आए ना, ये शरीर छूट जाएगी, छूट जाएगी, हमें ऐसे एक शरीर प्रदान करेंगे जिस शरीर से प्रेम को हम आस्वादन कर सके, क्योंकि प्रेम जो पीड़ा है वो इतनी पीड़ा फिर नवकाल कुटता कर बस निर्वास करोड़ जहर जैसे उसकी ज्वाला है, शरीर हमारी सहन नहीं कर सकता। इतने आनंद कृष्ण दर्शन में, इतने आनंद है ब्रह्मांड का है, कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु। इसलिए यहीं पर से महाप्रभु यहीं पर निकले और महाप्रभु स्वर्ग दामोदर ढूंढ ढूंढ कर आ रहा था, महाप्रभु का महाप्रभु का देखा है कि जेली भूत भूत हरिबोल हरिबोल। बोले ये क्या, देखो हरि का नाम लेने से भूत भाग जाता है ना, हरि का नाम लो तो भूत रह नहीं सकता। मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम है, इसलिए भूत भगवान का नाम लेने से भूत भाग जाता है। लेकिन ये कह रहे हरि बोल भूत भूत, बोले ये तो उल्टा बोल रहा है, समझ गए दाल में कुछ काला है। बोले क्या बात है, बोले वहां पर जाल में जली में एक भूत निकला, हे क्या मांस पिंडला, हरि बोल है। बोले चलो, बोले मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा भयंकर रूप है। इतने में स्वर्ग दामोदर एक थप्पड़ मारे, थप्पड़ मारते ही ना उनको होश आ गया। हाँ बोले हाँ वहां पर भूत देखा, क्योंकि वो चाल का स्पर्श हो गया ना महाप्रभु महाभाव में प्रेम में, सचमुच यही पर महाप्रभु है जली के जल जाल में यही पर निकले थे, और यही पर आकर के सब भक्त लोग है निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल, सचिनंदन गौर हरि की आनंद के वार हरि बोल। यही पर आकर के जब उन लोगों ने कीर्तन किया, हरिनाम कीर्तन किया, कीर्तन सुनते सुनते महाप्रभु धीरे 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 पूर्व है पूर्व स्मृति में महाप्रभु भैर आते हैं है? इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अत्यापि ओ सही लीला करे गौर राहे कोनो कोनो भाग्यवान देखे वाले भाई। अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु अभी भी जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे हैं, लेकिन कोनो कोनो भाग्यवान देखे वाले भाई, ऐसे जो साधन करने वाले, ऐसे जो प्रेमी की भक्त हैं, महाप्रभु का रस में जो हर समय डूबे हुए रहते हैं, जगन्नाथ जी की भक्ति में, राधा कृष्ण का भक्ति रस में हर समय जो उसमें डूबा हुआ व्यक्ति होगा, उसको ही अभी भी दर्शन देते हैं महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, अभी भी महाप्रभु उनको कृपा करते हैं। इसलिए कल हम लोग ये सब कथाओं को श्रवण कर रहे थे है, इसलिए अभी हम लोग चतुर्विंश अध्याय को श्रवण करेंगे। बल है नवते नवति पे विश्वंभर राय विविधा कीर्तन प्रभु करे सदाय, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम में है कहते विश्वंभर राय विविध कीर्तन प्रभु करे सदाय, भक्तों को लेकर के तरह तरह का कीर्तन को है नवद्वीप धाम में कर रहे थे। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये कीर्तन को श्रवण करते ही महाप्रभु का शरीर में अष्ट सात्विक भाव आता था है, कहते महाकंप अश्रु मूर्छित ये सब दिव्य भाव महाप्रभु का शरीर में प्रकट होता था। फिर भक्त लोग महाप्रभु अपना घर में ले जाते थे,
महाप्रभु को शांत करते थे। बोले एक दिन क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु बोले गोपी 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 मात्र को नदी न जपे, सुनिले कृष्ण नाम ज्वले महाकोपे। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी 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 नाम को कभी कभी जप करते थे। पर यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर महाप्रभु ये गोपी 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 भाव क्यों बोलते थे, इसलिए ये गोपी का नाम को ये क्यों ग्रहण करते थे। बोले कारण है जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कहते जो जीव मात्र है किसकी नित्यदास, बोले कृष्ण का हम नित्यदास है। लेकिन जो भगवान की नित्यदास है, कहते पांच तरह से भगवान की भक्ति पांच रसों से होता है, जो उनको पांच मुख्य रस और सात गौण रस, और जो पांच मुख्य रस में भगवान की भक्ति होता है। क्या क्या है पांच मुख्य रस है बोलो, शांत रहस्य सख्य बाबा सब पंडित सब यहाँ पर बैठे जानते, इसलिए कहते ये पांच रसों से भगवान की भक्ति होती है। लेकिन ये पांच रस में भक्ति होने पर भी, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ पांच रसों में जो श्रृंगार रस है, जो श्रृंग मतलब होता है जो कच्चूल चूड़ा, जो सर्वश्रेष्ठ रस है कहते ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। मतलब श्रृंगार रस के जो अधिष्ठात्र देवी देवियां हैं ये ब्रज की गोपियां हैं, ये ब्रज की ये गोपियां हैं, ये सर्वश्रेष्ठ रस में भगवान को भक्ति करने वाली। यद्यपि कृष्ण को भक्ति सब लोगों ने किया है, मैया जसोदा ने किया, सखा लोगों ने किया, और सखा लोगों ने सबके सब की है, लेकिन जो संपूर्ण रूप में कृष्ण के चरण में जो संपूर्ण रूप में जो शरणागत है, मतलब कृष्ण के चरण में जो सर्वस्व देने वाले, इसलिए कृष्ण का एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा गीता में था। गीता में कृष्ण ने एक बहुत बड़े प्रतिज्ञा किया था, कौन सा प्रतिज्ञा है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, भगवान का ये प्रतिज्ञा। मतलब क्या, कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो जितना परिमाण में मेरे को भजन करता है मैं उसी की अनुरूप उसको भी प्रेम प्रदान करता हूं। अगर पांच आना के भक्ति करते पांच आना के मैं भी उसको प्रेम का अनुदान उसको दे देता हूं। अगर कोई करता है दो आना की भक्ति उसको दो आना जैसे भक्ति उसको प्रदान करता हूं, हैं? जो जैसे मेरे को जितना परिमाण में भक्ति करता है मैं उसकी अनुरूप उसको भी प्रेम में प्रदान करता हूं। कृष्ण की ये बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है, कृष्ण गीता में ये बहुत बड़ी, भगवान एकदम हाथ उठा कर कहते अर्जुन जो जितना मेरे को भक्ति करता है मैं उसको उतना भक्ति करता हूँ, उतना देता हूँ। उन्होंने ये प्रतिज्ञा तो रखा किया उन्होंने जो जैसे भक्ति किया, लेकिन करते 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 लेकिन जब उन्होंने गोपियों के पास में आए कृष्ण और प्रतिज्ञा पर रख नहीं पाए, ये प्रतिज्ञा कृष्ण रख नहीं पाए, है इसलिए कृष्ण को इसलिए बोलना पड़ा, न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम सुसाध उत्कृत विबुधाय साबिको। कहते भगवान को लास्ट में बोलना पड़ा, हे ब्रज गोपियों तुम लोगों ने मेरे लिए जो ये जो त्याग दिया ना, भाई बंधु पुत्र परिवार हैं आदमी सब लोग को तुम लोगों ने मेरे लिए सब लोगों को त्याग दे करके एक पैंट होकर के मेरे को भजन किया एक पैंट से, लेकिन मैं ऐसे नहीं हो सकता। अगर तुम लोगों को है तुम लोग क्या करते हो, कहते मन तन तन मन मनस्का मन मना भव, उन्होंने मन और किसी को नहीं दिया, मन उन लोगों ने किसी को नहीं दिया, किसको मन दिया है, केवल उन्होंने कृष्ण को मन दिया, केवल उन्होंने किसको मन दिया, केवल कृष्ण को मन दिया, मन और किसको उन्होंने नहीं दिया मन को, है इसलिए इसलिए कृष्ण कहते हैं उद्धव गोपियां जैसे गोपियों जैसे भक्ति तन मन मनस्का, उन्होंने पूरा मन को मदर त्यक्त देहिका मेरे लिए, उन्होंने अपने देह दैहिक सब कुछ मेरे लिए भूल गए संपूर्ण मेरे को दी। अगर मेरे को अगर कोई बोले गोपियों तो तुमको पूरा पूरा सब दे दिया, अभी तुम केवल गोपियों को स्मरण करो गोपियों को, क्योंकि उन्होंने पूरा दे दिया, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा क्या कर्तव्य, तुम कहते हो ना तुमको जो जितने परिमाण से भजन करता है तुम उतना परिमाण से उसको भजन करते हो, उन्होंने पूरा के पूरा तो तुमको दे दिया, अभी तुम उनको पूरा पूरा दे दो, उन्होंने पूरा मन दे दिया, ये तुम भी उनको तो मन दे दो पूरा के पूरा,
कृष्णा बोले हमें नहीं कर सकते, हमें मेरे द्वारा नहीं हुआ। बोले क्यों, उनको दो ना, गीता में तुमने इतना बड़ा प्रतिज्ञा की क्यों कर दिया, जो जैसे मेरे को भजन करता है मैं ठीक उसको वैसे भजन करता हूँ, फिर गीता बोला क्यों फिर। बोले मेरा थोड़ी एक भक्त, मेरा तो बहुत भक्त है ना, सखा लोग मेरे को भक्ति करते हैं, उनका भी भक्ति मेरे को देखना पड़ेगा है। इसलिए मैया जसोदा भी मेरे को भक्ति करती है, अभी मैया को भी देखना पड़ेगा, सत्यभामा भी भक्ति करती है उसको भी देखना पड़ेगा, काली देवी मित्र मित्र मेरा लाख करोड़ भक्त है, एकांत भक्त जीवन भगत निमंत्र संकच कर चिन्ह, इसलिए तो संकच ने उदाहरण किया। इसलिए अगर मेरे को कोई बोल दे गोपियां सबको सबको दे दिया, तुम भी उनको दे दो, भैया मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा आनंद होता ही जो जैसे भक्ति करेगा मेरे को दे। इसलिए कृष्ण फैल, इसलिए कृष्ण यहाँ पर आकर कहते हैं, एक उदाहरण दिया, कोई एक पहलवान था है, पहलवान सब जगह में जाकर डीग हांकता था, ए कोई होता आ जा, दो हाथ कर लो मेरे साथ में, दो हाथ कर लो मेरे सास जैसे बराबर कोई जो था जगत में नहीं, आओ किसके हिमा दो हाथ कर लो। कहते जहाँ एक शेर है सवा शेर कहीं मिल जाता है, समझ रहे हो कि नहीं हिंदी, जहाँ एक शेर सवा शेर कहीं मतलब एक शेर सवा शेर मिल जाता, समझ रहे हो है? अगर तुम्हें एक शेर हो ना, ऐसे कोई व्यक्ति हो सकता है अमित जने लोग को मिल जाए, ये तमो धर्म तो बड़वान अच्छी, सवा शेर माने शेर 25 है सवा शेर। इसलिए कहते जहाँ शेर एक शेर का सवा शेर मिल जाता है, बस कहीं सवा शेर मिल गया और डिग ए कोई होता आ जा, कोई होता आ जा मेरे साथ में दो हाथ कर लो, मिल गए सभा से ए आ, बोला आ जा बस। पहले देखना युद्ध करने से पहले कुश्ती लड़ने से हाथ मिलाते हैं, अब जो सभा शेर वाला था जो एक शेर वाले उसको हाथ दे ऐसे पकड़ा जोर से, एक झटका मारे ना वो तो नीचे गिर गया, उसको उसका नीचे गिर पैर को नीचे गिर गया। बोले भैया तेरे साथ बात नहीं पाऊंगा, मैं तो सोच रहा था मेरे जैसे कोई नहीं भैया, मैं तो हार गया। इसलिए एक शेर वाले कौन कृष्ण, वो सोच रहे थे मेरे जैसे पहलवान जगत में कोई नहीं, लेकिन गोपियां सवा शेर वाले उससे भी ज्यादा है, पहलवान गोपियां थी, राधा रानी थी, जो उनकी चक्कर में कृष्ण पड़े ना चक्कर खा गए। बोले भैया मैं न पा रहे हम, मैं तो तुम्हारी प्रेम की था नहीं पाऊंगा, तुम्हारी जैसे प्रेम कर। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, क्या नाम जप कर रहे हैं, गोपी 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 गोपी, क्यों गोपी 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 क्यों नाम जप कर रहे हैं, कारण क्या है? बोले कारण है जो जीव है उसका जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम का जो प्राप्ति है गोपियों का रूप, ये लिखा नाम गोपी। गोपी मतलब क्या, गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण रसम पिबती, कृष्ण रस को पान करते, और गोपी मतलब होता है गोप रक्षण पालने, ये धातु है गोप रक्षण और पालने, क्योंकि गोपियां क्या करती हैं, इसलिए गोपी हैं, गोप रक्षण, रक्षण मतलब क्या, अपना हृदय रूपी तेजरियों में कृष्ण प्रेम रूपी धन को बड़े जो गुप्त रूप में धारण करते, हृदय में गुप्त रूप में हृदय में जिनको कृष्ण को धारण करते, और गोप मतलब होता है रक्षण, वो क्या करते हैं रक्षा भी करते हैं और पालन है, वो क्या करती हैं गोपियां कृष्ण को इंद्रियों को पालन करती है, मतलब सारे इंद्रियों को दे करके इनकी कण कण में कृष्ण बैठे हुए, सबई मन कृष्ण पदार्थ मन केवल गोविंद को चरण दिया, बाचासी वैकुंठ केवल बच्चन को द्वारा कृष्ण ही कथा बोलते हैं, हाथों से केवल कृष्ण ही सेवा करते हैं, कानों से केवल कृष्ण कथा सुनते हैं, आंखों से कृष्ण सिवाय उनका कुछ दिखता नहीं, सब जगह उनकी काले 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 छोड़कर कोई और कोई रंग ही नहीं दिखती, काले दिखता सारा दुनिया में उनकी कृष्ण ही दिखते हैं, और उनको कुछ दिखते ही दुनिया में है। इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे थे, गोपी 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 नाम जप कर रहे थे, कारण इसलिए वो गोपी नाम को जप कर रहे थे, गोपी गोपियों ने जो प्रेम किया है यही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, अगर यह चीज को अगर जीवन में कोई प्राप्त कर सकता है, समझनी चाहिए जीवन में हमने सब कुछ सर्वश्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त किया। इसलिए ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के भगवान कलयुग में यही गोपी प्रेम को प्रदान करते हैं, ये गोपी प्रेम को प्रदान करते हैं। इसलिए कारण क्या, बोले कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण विषय जाती है, कृष्ण विषय जाती है कृष्ण भगवान, लेकिन आश्रय जाते हो कौन, बोले ब्रज गोपियां है। इसलिए कृष्ण को जो आनंद मिलता है, कृष्ण को जो आनंद मिलता है
गोपियों को उनसे ज्यादा आनंद मिलता है। जैसे रसगुल्ला है, अभी रसगुल्ला कितना मीठा है किसको पता, जो खाया होगा उसको तो पता होगा ना, और जो खाया नहीं होगा उसको क्या पता रसगुल्ला कितना मीठा है। इसलिए कृष्ण को तो बताया रस वैसा रस जगाया लब्धानंद भवति, कृष्ण को नहीं, और रस स्वरूप है कृष्ण आनंद स्वरूप, लेकिन कृष्ण को पता ही नहीं मेरे अंदर में कितना रस है। कृष्ण तो पूरा रसी रस है, कृष्ण है रसी रस कृष्ण है, लेकिन होने पर भी कृष्ण को, लेकिन कृष्ण को अंदर में कितना रस है इसको कौन जानता है, उनको जो भक्ति करने वाले व्यक्ति उनको जानते हैं, और उनको भक्ति करने वाले कौन, भक्त, भक्त में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये ब्रज गोपियां श्रीमती राधा रानी हैं। इसलिए कृष्ण महाप्रभु रूप में क्यों आए, इसलिए आए कृष्ण सोच रहे हैं राधा रानी को देख करके मुझे जो आनंद होता है, मुझे देख करके राधा रानी को जो आनंद होता है, मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा आनंद होता है। राधा रानी मेरे प्रेम में, उनके शरीर में जो दिव्य उन्माद, उनके शरीर में जो कुटाए तो मुटाए तो किलकिंचित भाव, और तरह तरह का जो दिव्य उन्माद दिखता है मेरे मेरे अंदर में, तो सब चीज होता ही नहीं, लेकिन रस तो मेरे अंदर में, ये चीज को राधा रानी आस्वादन करती, इसलिए करोड़ गुणों आनंद राधा रानी को आनंद मिलता है। इसलिए कलयुग में बोले जब तक मैं राधा नहीं बन करके आऊंगा तब तक ये चीज को आस्वादन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा जी की भाव अंकर देंगे। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर जो गोपी 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 कहते, इसी अभिमान से महाप्रभु गोपी 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 भाव सोच रहे थे, मतलब गोपी आज जैसे कृष्ण भक्ति रस को पान करते हैं, महाप्रभु भी चाहते मैं भी उसी प्रेम रस को पान करें, ठीक है। इसलिए बोले गोपी गोपी मात्र कौन दिन जपे, महाप्रभु कभी कभी गोपी गोपी कभी नाम जप करते थे, लेकिन कभी कभी सुनी ले कृष्ण नाम जोले महाकवि, लेकिन कभी कभी कृष्ण का नाम सुनते, कल मैं सबको पूछूंगा, ठीक है, दो प्रश्न करूंगा, महाप्रभु गोपी गोपी क्यों कर रहे थे, और कृष्ण नाम सुनकर के महाप्रभु को क्रोध क्यों होता था। कृष्ण नाम सुनने से किसको क्रोध होगा, कृष्ण नाम सुनने से आनंद होता है, कृष्ण नाम से होगा आनंद मिलता है, रस मिलता है। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, तुंडे तांडव निमित्त वितुंडते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रडो कडव निखटेते कर्णाम देव स्प्रिया चेत प्रांगण सन्निध चेते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नौ जाने जनिता तुम अद्भुत कृष्ण वर्णन। रूप गोस्वामी कहते जो कृष्ण जो दो अक्षर है, पता नहीं इसमें भगवान कितने रस भर दिया है, इसको जब हम सुनते हैं लगता है ये दो कान क्यों दिया, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया, जीवा में उदय होने पर लगता है अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिया, हृदय में जब रस रूप में बरसती है पता नहीं क्या रस की धारा बरसती है हृदय में है। इसलिए लेकिन कृष्ण नाम सुनने पर श्री पृथ्वी महाराज क्या कहते हैं, न कामय नाद तप तदप्य हम कचीत न जत्र जुस्माद चरणा भुज सब है। इसलिए वहां पर कहते हैं क्या कहते हैं, नकाम है नाथ तदप्य हम कुछ न जत्र जुस्म चरणा भुज सब महतमाद हृदय मुख चुत विधत स्वकर्ण जुत मे समय वर कदे प्रभु, अगर आप मेरे को बर देना चाहते हो क्या बर दो प्रभु, क्या बर दो मेरे को, 10,000 कान दो, कितना कान दे दो मेरे को, 10,000 कान दो, 10,000 कान क्या करोगे, दो कान तो अच्छे लग रहा है और पूरा शरीर में कान ही कान हो जाएगा थोड़ी अच्छी लगेगी है, इसलिए 10,000 कान लेकर क्या करोगे, बोले प्रभु कान तो दो ही हो लेकिन दोनों कान में जितने 10,000 कान में कथा सुनने का जो शक्ति, ये दोनों कान में हमें देना, बात कहीं जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होती होगी, जैसे कहीं की कथा हमारी चुप नहीं जाए, जहां जहां जत्र जत्र कृष्ण कीर्तनम, जहां जहां पर कृष्ण कथा कीर्तन हो रही है मैं उतना रूप धारण करते हुए वहां पर हमारी कथाओं को मैं सुनना चाहता हूँ है। इसलिए कहते यहाँ पर कहते यहाँ पर कहते सुन ले कृष्ण नाम जोले महाकोपे, लेकिन महाप्रभु जब कृष्ण नाम सुनते है ना उनको बड़ा क्रोध आता है, किसने ये कृष्ण नाम किया है, किसने ये कृष्ण नाम किसने किया है, बड़ा क्रोध होता था महाप्रभु को। कहते यहाँ पर कहते हैं बोले कथाकार कृष्ण तर महादस्यु से, महाप्रभु क्या कहते बोले कृष्ण कथाकार कृष्ण कहते वो महादस्यु, कृष्ण महाचोर है, महाचोर है,
बोले सत धृत कैतव भजे तार, हम बाता रे के इसलिए कहते उसको भजन करने वाले कौन, बोले सत धृत कैतव भजे बाता रे के, बोले उसको जो भजन करने वाले सत धृत कैतव है, इसलिए स्त्री जी तो है या स्त्री काट ना कान, कहते उसने क्या किया स्त्री का नाक कान कट काट दिया और स्त्री की पूरा अधीन में है, हैं होते हुए भी स्त्री का नाक कान उसने काट दिया, लुप्त कर प्राण लो लो पाली लो प्राण। बंदर को कोई नहीं मारते है दुनिया में, लेकिन ये ऐसे के व्यक्ति जो बंदर को भी मारने वाले हैं, बद प्याल तक भी बंदर को नहीं मारते है, लेकिन कृष्ण ने क्या किया ऐसे बंदर को भी, कृष्ण ने ऐसे बंदर को भी मारे रामावतार, इसलिए इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बोले कृष्ण नाम सुनते ही एकदम महाप्रभु का शरीर में जैसे आग लग जाती है। किसने ये कृष्ण नाम लिया, धूर्त कपटी व्यक्ति का नाम किसने दिया, ये कपटी व्यक्ति का नाम। इसलिए यहाँ पर अभी प्रश्न होता है, महाप्रभु यहाँ पर कृष्ण नाम सुन करके उनको इतना क्रोध क्यों होता है, इनका इतना क्रोध क्यों होता है। इसलिए हम आगे सुनेंगे, जिस समय महाप्रभु गोपी 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 बोल रहे थे, पढ़ुआ ने बोल दिया अरे गोपी 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 क्यों नाम ले रहे हो, अरे नाम लिया तो कृष्ण 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 नाम लो ना, ये क्या सब गोपी 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 नाम लेने से क्या होता। हे महाप्रभु को क्रोध आया, बोले ये धूर्त कपट का नाम ले रहे हो, महाप्रभु तो डंडे लेकर उसको मारने के लिए दौड़े है, मारने के लिए दौड़ी, ये कपटी व्यक्ति का नाम ले रहे हो है। इसलिए अभी यहाँ पर कह रहे हैं किस लिए महाप्रभु कृष्ण नाम सुनकर क्रोधित तो कारण किया, बोले कारण है यदि कृष्ण जब ब्रज छोड़ करके कृष्ण मथुरा जाते हैं, उस समय में ब्रज गोपियां रात भर उनको जो पता चला, क्या पता चला, अक्रूर जी मथुरा से आए और कृष्ण को लेकर के, कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा चले जाए, इतना सुनते ही है सखा लोगों को तो इतनी बात पता नहीं, सब लोग तो खुश हो रहे थे, केवल दो व्यक्ति खुश नहीं हो रहे थे, एक तो मैया जसोदा और एक ब्रज की गोपियां और राधा राय, केवल इनकी मन में, क्योंकि इनको अंदर से ऐसे लग रहा था जैसे कृष्ण जाएंगे तो फिर वापस कृष्ण नहीं आएंगे, केवल यही। इसलिए रात भर मैया जसोदा और ब्रज की गोपियां रात भर सोए नहीं, और गोपियां तो रात भर रोती रही, इतने रोती रही, और उनने विधाता को उन्हें गाली देने लग गई, बोले विधाता अगर कृष्ण को हमसे अगर बिछोड़ने का था तुम्हारी, फिर उसको साथ में हमें मिलन तुमने क्यों कराया, उनका साथ में तुमने प्रीति क्यों बांधे। उदाहरण दिया तुम कैसे, जैसे देखना बच्चे लोग जब खेलते खेलते जैसे मिट्टी का घर बनाते हैं, बनाएगा मिट्टी का घर, बालू का घर बनाते हैं बच्चे लोग, फिर क्या करते उसको फिर तोड़ फोड़ देते हैं, मिनट में उसको तोड़ फोड़ देते हैं, बनाते हैं इसको तोड़ फोड़ देते हैं, कहते उसी तरह तुमने ऐसे कृष्ण के साथ में हमारी प्रेम का संबंध तुमने जोड़ा है, इतने प्रेम के संबंध को जोड़ करके, और तुम क्या कर रहे हो अभी उस संबंध को तुम तोड़ रहे हो, पर तुमने जुड़वाया फिर क्यों। इसलिए रात भर ब्रज गोपियां रोती रही रोती रही रोती रही, और कृष्ण जब सवेरे जाने के लिए तैयारी हुए ना, उसी समय में है ब्रज गोपियां पहिया को नीचे, रथ की पहिया को नीचे लेट गई, कोई घोड़ा की लगाम पकड़ ली है, इसलिए बोले कृष्ण श्याम सुंदर जाते हो तो हमारे ऊपर में रथ को चला करके ले जाओ, हमें जान से खत्म करके जाओ। इसलिए कृष्ण तरह तरह से उनको समझाए है, समझाए गोपियां कोई चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस मामा को उधार करके परसों चला आऊंगा है। बहुत कष्ट से उनको समझा बुझा करके कृष्ण वहां से कृष्ण गए। जब कृष्ण गए थोड़ी दूर गए तो श्रीमद राधा रानी फिर लेट हुई थी, जिस स्थान का नाम है आजनव, आजनव मतलब है, जिसके नाम का नाम है बिजवारी, बिजवारी मतलब होता है बिजली जैसे, राधा रानी शरीर में इतने तेज थी, इसलिए कि राधा रानी भर्गो देवस है, इसलिए मूर्तिमान है, मूर्तिमान तेज की जो मूर्तिमान श्रीमती राधा रानी, इसलिए इतने तेज शरीर से निकल रही थी, पूरा जैसे बिजली जैसे चमक रही थी पूरा आकाश में, इसलिए वो स्थान का नाम बिजवारी। अभी राधा रानी को कैसे समझाए, बहुत उन्होंने समझा बुझा करके राधा रानी को, बोले कोई चिंता मत करो, पास में आ जा रहा हूँ, परसों में वापस लाऊंगा। इतने में
बहुत कुछ समझा करके जब गए, लेकिन गोपियों के मन में तभी विश्वास नहीं हो रहा था कृष्ण से आज चली जाएगी, हैं? तभी विश्वास नहीं हो रहा था, नहीं कृष्ण वापस चली आएंगी, लेकिन थोड़ी 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 देर रात धीरे धीरे चलते चलते देखा रथ धीरे धीरे उजाला होने लग गया, तो जो धूल जो उड़ रहा था रथ से कहिया से धीरे 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 धूल जो उड़ रहा था धूल भी उजाला हो गया, जो उजाला हो गया फिर तो गोपिया वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ी। बोले गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, हे कृष्णा हे जा तब हे सकेती, गोविंद दामो दर माधवेती। ऐसे ही गोपिया और गिर पड़ी जब गोपियां बेहोश होकर के, तभी से ये गोपियां कभी घर पे वापस नहीं गई, वो वहीं पर ही गिर पड़ रही। राधा रानी वहीं उद्धव क्यारे में ही, राधा रानी घर में वापस नहीं गई, श्याम सुंदर जब तक नहीं आएंगे तब तक हम कोई वापस नहीं जाएंगे वहीं पर हैं। जिस समय उद्धव जी जब ब्रज में आए तब भी देखा क्या वहीं पर गोपियां वहीं पर पड़ी हुई, राधा रानी वहीं पर पड़ी हुई, राधा रानी वापस नहीं गई है, उसी कपड़े से उसी में ही उसी अवस्था में बेहोश में पड़ी हुई है सब ब्रज गोपियां। इसलिए कहते जब उद्धव जी को जब ब्रज में उन्होंने भेजे उद्धव जी को, पहले तो उद्धव जी पहले आना ही नहीं चाह रहे थे, हैं? आना ही नहीं चाह रहे थे उद्धव जी, लेकिन कृष्ण ने कहा देखो उद्धव जो ब्रज में है ना तुम जा करके देखोगे मैं 90% वही रहता हूँ और केवल 1% में यहाँ रहता हूँ, 99% वही रहता हूँ, वहां जाओगे ना तुम तो बोल रहे हो कृष्ण तुमको छोड़ करके हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन वहां जाओगे तो मेरे को तुम पूरा के पूरा मेरे को भूल जाओ, मेरे को तो पूरा पूरा भूल जाओगे, क्यों? वहां पर मेरे सारे लीला स्थलियों को देखोगे, मेरे भक्तों को साथ में तुम कृष्ण कथा बोलोगे, कृष्ण कथा सुनोगे, और जो कृष्ण कथा भक्तों का जो संग है ना वो साक्षात भगवत प्राप्ति है। इसलिए जहाँ कृष्ण कथा में वहीं पर रहता हूँ, जहाँ पर मेरे भक्त में वहीं पर रहता हूँ, तुम वहां जाकर मेरे को भूल जाओगे। इसलिए सचमुच से उद्धव जब ब्रज में आए हैं और कृष्ण ने बताया था मैं तो वहीं पर पूरा के पूरा, सचमुच से भगवान ने उनको प्रकट ब्रज का एक सीन दर्शन करा दिया। मतलब कृष्ण ब्रज में रहते समय कैसे ब्रज एकदम हरा भरा कैसे रहता था, कोयल कैसे कूकती थी, कैसे उस समय कैसे मयूर केका करते थे, कैसे सांड आपस आपस में लड़ रहे हैं, कैसे बछड़ा कैसे हैं दूध पी रहे हैं, गोप कैसे दूध कैसे दोहन कर रहे थे। इसलिए वहां पर जब गए उन्होंने एकदम कृष्ण रहते समय एकदम पूरा हरा भरा वृंदावन को उन्होंने देखा, देखकर देखा भाई लग रहा था कृष्ण साक्षात यहीं पर ही कृष्ण तो यहीं पर देखा। फिर उन्होंने उस स्क्रीन था ना, फिर उन्होंने उस स्क्रीन को फिर उन्होंने बंद करवा दिया, बंद कर फिर उन्होंने बिरहा ब्रज को उन्होंने दर्शन कराया। कृष्ण जो वृंदावन छोड़ करके चले गए, वृंदावन की कृष्ण बिरह में वृंदावन की क्या स्थिति है, कोयल कैसे कूकू करना छोड़ दिए, मयूर केका करना छोड़ दिए हैं, और बछड़े दूध पीना छोड़ दिए, गैया घास करना छोड़ दिए, और जितने ब्रजवासी सबके सब कृष्ण बिरह में रो रहे, उनका आंखों का आंसू जाकर के यमुना नदी में आंखों का आंसू जाकर के मिल रहा था, और कैसे पूरा पूरा ब्रज कैसे उजड़ा हुआ, कृष्ण बिरह में कैसे उजड़ा हुआ। फिर तो उन्होंने किसको पूछते हैं नंद बाबा का घर कहाँ पर है, किसी ने एक नाली दिखा दिया, बोलते जो नाली जहाँ शुरू हुआ ना वो तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले मैं पूछ रहा हूँ नंद बाबा का घर कहाँ पर, और यह कहते नाली जहाँ से, अरे ये क्या बोल रहे। लेकिन सचमुच से जो उसमें पानी बह रहा था उसको फॉलो करते करते जब गए ना, देखा सचमुच से नंद जसोदा ब्रजवासी जितने रो रहे थे उनका आंखों का आंसू से आंसू है ना पर्नल रूप में बह रहे थे, है नाली रूप में बह रहा था। फिर तो उन्होंने कैसे देखा उनको घर में जहाँ रुसी बनता है वहां पर मकोड़े जाल बना दिए, और मैया जसोदा तो बेहोश होकर पड़ी, कृष्ण के बगैर में और कुछ भी देखना नहीं चाहता हूँ और कुछ भी सुनना मैं नहीं ना चाहती हूँ। कभी कभी मैया जसोदा कहती है, हैं? कभी कभी कहती है कृष्ण का बचपन का कुछ कुछ खिलौना होता है ना बच्चे लोग बचपन जो खेलते खिलौना, कुछ कपड़ा लता होता है जो हर चीज को, कभी कभी मैया जसोदा उसको गठरी में बांध देती है
बांध करके कहती मैं चलूंगी मथुरा जाऊंगी देवकी को बोल के देवकी तुम्हारी घर में मैं झाड़ू बुहारी में लगा दूंगी, तुम्हारी घर में झाड़ू बुहारी लगा करके रह जाऊंगी, लेकिन दिन में एक बार मेरे कान्हा को केवल मेरे को कान्हा को दर्शन करा देना, केवल मैं इतना ही चाहती और मैं कुछ नहीं चाहती, तुम्हारे घर में मैं दासी बन कर रहूंगी है। इसलिए नंद बाबा तो खाना पीना सब छोड़े हुए चार ब्रजवासी कृष्ण विरह में कैसे कृष्ण विरह है और कैसे श्री उद्धव जब जाते हैं, अभी उद्धव का रंग कृष्ण का रंग बराबर है और कृष्ण का वस्त्र पहन कर गए हैं, उनका माला एकदम कृष्ण का जैसे उनका रूप है, एकदम कृष्ण का सारूप है जैसे, इतने में उन्होंने नंद बाबा का गोद में बैठी गई, बैठ करके उनको समझाना चाह रहे, क्या समझाना चाह रहे, वो सोच रहे थे नंद बाबा को हम कुछ समझाए है, इसलिए लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए अभी नंद बाबा समझाने चाह रहे हैं, मैं क्या बोलूं अभी इनको, उद्धव जी सोच रहे मैं इसको क्या बोल करके उनको सांत्वना क्या दूं, जैसे एक व्यक्ति रोता है अगर कोई रोता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, भैया क्यों रो रहे, रोना मत, रो मत, यही तो बोलेंगे ना, कोई रो रहे उसको बोलेंगे भैया रो मत क्यों रो रहे हो, इतना तो किसको तो बोलेंगे। उद्धव जी सोच रहे अगर मैं इतना बोल दूं रो मत, जितने सारे शास्त्र मेरे को थप्पड़ लगाएंगे, बोले क्या क्या शास्त्र क्या कहते हैं, नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलक निचित बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु कह रहे हैं कब ऐसे दिन आएगा, कौन सा दिन, जब मैं तेरे नाम को लेकर के आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए हैं, इसलिए हृदय गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, कब ऐसे दिन, अरे ये तो कृष्ण नाम लेकर अलरेडी रो रहे हैं, अगर मैं बोल दूं भैया क्यों रो रहे हो ना, सब थप्पड़ थपड़ी, इसलिए उन्होंने बहुत सोच सोच करके उन्होंने एक शब्द केवल उन्होंने कोशिश की नंद बाबा को बोलने के लिए, बोले नंद बाबा आपका आप जैसे सौभाग्यवान जगत में कोई नहीं, जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवान आप हो, बोले क्यों, बोले कृष्ण को आप पुत्र रूप में प्राप्त किया, कृष्ण कौन है, परम ब्रह्म अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नाद आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ऐसे जो भगवान को आप पुत्र रूप में प्राप्त किया है, है? पुत्र रूप में आप प्राप्त किया, आप कितने सौभाग्यवान, बात जब उन्होंने इतना बोल दिया ना पास नंद बाबा तो बोले उद्धव जी मैं सोच रहा था कृष्ण का संग करके से तेरे बुद्धि थोड़ी अक्ल थोड़ा हो गया होगा, अब देखता हूँ तेरा दूध दांत तेरे अक्ल का दूध दांत ही नहीं टूटा, बच्चे बच्चे ही तेरे तेरे, अरे तू कह रहे हो मैं जगत में सबसे बड़े भाग्यवान क्यों, भगवान को मैंने पुत्र रूप में प्राप्त किया है, अगर तुम अगर ऐसे हो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया मैं कितने दुर्भाग्य, देखो ऐसे जो बेटे को मैंने प्राप्त किया पुत्र मेरे से हाथ से निकल गया, उदाहरण देता है कोई एक व्यक्ति एक पत्थर किसी व्यक्ति को मिला, लेकिन वो था पारस मणि, लेकिन उसको पता नहीं था पारस मणि, लेकिन अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया, लेकिन किसी जोहरी जो सोने चांदी बेचने वाले देखा अरे ये तो पारस मणि, पारस मणि लेकर बच्चा खेल रहा है, लेकिन खेलते खेलते कहीं घुमा दिया, वो व्यक्ति ने आकर के बोलता है वो व्यक्ति को बोले तुमने तुम्हारे बेटे में देखा है कि पत्थर से खेल रहा था, पत्थर नहीं था पारस मणि था, वो था पारस मणि, लेकिन बच्चा ने कहीं खो दिया, अभी उसको जब पता चला नहीं बच्चे को भी जो पारस मणि दिया था वो पारस मणि था पत्थर नहीं, अभी वो दुखी होगा ना खुश सुखी होगा, दुखी होगा ना, इतने कीमती पारस मणि मैंने बच्चे को दिया और बच्चे ने खोलते खेलते खेलते उसको गुम कर दिया है, उसको घुमा दिया, दुखी हो जाएगा, अभी तक तो मैं सोच रहा था साधारण बच्चा, लेकिन आप अभी मेरे को बता रहे हो कृष्ण परम परम पर तत्व, इसलिए ऐसे बेटे को पा करके अगर ऐसे बेटा अगर हमसे चला गया हम सौभाग्यवान दुर्भाग्यवान है, सौभाग्यवान ना दुर्भाग्यवान, उसको बाद में फिर ब्रज गोपियों से मिलते हैं, फिर राधा रानी से जब जाकर के मिलती है, ये जो महाप्रभु यहाँ पर कहते क्यों कृष्ण नाम सुन करके यहाँ पर महाप्रभु किसी के इतना क्रोधित हो रहे, वो सट है कहते वो कपटी है कितव है वो सट है वो धूर्त है स्त्री जीत है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का नाम को मेरे को मत सुना, क्यों हम कल इस चीज को सुनेंगे, ठीक है। तो सचिन नंदन गौर हरि की, श्रीमन महाप्रभु की, निताई गौर ब्रह्मानंदे।
हरी हरी बोल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे तुम गाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा और राधे श्याम हजाम। आपका आशीर्वाद देने का था, आपने कीर्तन के बाद आशीर्वाद देने थे। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ब्रह्मानंद शिव जय जय गौर।